उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गाजियाबाद से आई सीबीआई की टीम ने मंडल के कार्मिक कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। सीबीआई की टीम में कई लोग थे। सीबीआई की इस कार्रवाई से कार्मिक विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कार्मिक विभाग में तैनात एस के सोनी पर रिश्वत लेने का आरोप था। एस के सोनी कार्मिक विभाग के ओएस पद पर तैनात है। एस के सोनी को सीबीआई की टीम ने डीआरएम कार्यालय सर्कुलेटिंग एरिया कैंटीन के नजदीक नीम के पेड़ के नीचे पकड़ा। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस समय सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की, उस समय एस के सोनी ने लिफाफा तत्काल छोड़ दिया। जैसे ही लिफाफा जमीन पर गिरा, दो युवक लेकर भाग गए। सीबीआई टीम ने एस के सोनी से कार्मिक कार्यालय में ही घंटों तक पूछताछ की। बंद कमरे में सीबीआई पूछताछ करती रही। बंद कमरे में ओएस एस के सोनी से पूछताछ चल रही थी और बाहर रेलवे कर्मचारी और अधिकारी इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे थे। सीबीआई की टीम ने सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए हैं। सूत्र बताते हैं कि रिटायरमेंट के मामले में कार्मिक विभाग के ओएस एस के सोनी ने एक रेलवे कर्मचारी से रिश्वत मांगी थी। खबर लिखे जाने तक सीबीआई की टीम एस के सोनी से पूछताछ कर रही थी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।